नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांश कुमार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैंने पहले भी यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित वीडियो बनाई हैं, और मैंने इससे पहले दो वीडियो में आपको जीके की और हिंदी की पूरी डिटेल से जानकारी दी, कहाँ से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं रीजनिंग और मैथ के बारे में डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपको इन वीडियोज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं वीडियो में रीजनिंग और मैथ के बारे में मैं आपको डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग और मैथ की तैयारी कैसे करनी चाहिए कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात सुनो, ये दो सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग आपको पता है 150 में से 75 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के ही पूछे जाएंगे। और रीजनिंग और मैथ एक ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पर आप 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी ला सकते हो। जैसे मैं आपको अपनी बताऊँ, मैंने UPSI में 40 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। मैंने 80 में से 72 क्वेश्चन सही किए हैं, यानी कि मेरी 90% एक्यूरेसी है उन दोनों में। तो आइए अब जान लेते हैं कि आपको कैसे इन दोनों सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। सबसे पहली बात सुनो, मैथ मैथ के बारे में अगर मैं बताऊँ, मैथ के आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 19 क्वेश्चन में जो सबसे मेन टॉपिक जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, जहाँ से कॉन्स्टेबल में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, चैप्टर वाइज बताता हूँ, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम बोलते हैं इस चैप्टर को, यहाँ से सवाल पूछा ही जाएगा। चैप्टर दो है LCM HCF लेस एम एस है। चैप्टर नंबर तीन स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ये भी इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर चार सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से तो क्वेश्चन 100% पूछा ही जाएगा। चैप्टर नंबर पाँच परसेंटेज प्रतिशत बोलते हैं, इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर छः प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर सात SI सिंपल इंटरेस्ट एंड CI कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सात चैप्टर तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन से और स्क्वायर रूट से लेस एम एस से तो क्वेश्चन 100% पूछेगा ही, ठीक है। और देख लो, आठवां होगा टाइम एंड वर्क, काम और समय, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। नौवां चैप्टर देख लो, रेलगाड़ी संबंधित, ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएगा आपके पेपर में। चैप्टर नंबर दस जो है वो है अनुपात समानुपात वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। तो ये 10 चैप्टर मैंने आपको बताए हैं, 19 क्वेश्चन में से 15 से 16 क्वेश्चन आपको इन चैप्टर से ही मिलेंगे। तो मैथ में अगर आप इन 10 चैप्टर को पूरा अच्छे से कर लोगे तो आपको 16 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, तो आपके 13-14 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे पेपर में। अब अगर मैं रीजनिंग के बारे में आपको बताऊँ, रीजनिंग के बारे में सुन लो आप, रीजनिंग के मैं टॉपिक अगर बताऊँ आपको, टॉपिक के बारे में तो मैं क्या बताऊँगा आपको, रीजनिंग के बारे में सबसे मेन बात एक सुन लीजिए। कोई भी देखो, अगर आपने तैयारी अभी अभी शुरू की है तो आप कोई भी एक बेंच ले लो, ऑनलाइन बेंच ले लो, ऑफलाइन बेंच ले लो, उससे एक बार अपना रीजनिंग का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो,
कंप्लीट करने के बाद फिर आपको रीजनिंग के लिए जो यूपी पुलिस के जितने भी पेपर हुए हैं प्रैक्टिस करनी है। कैसे? आपको जितने भी यूपी पुलिस के, चाहे कांस्टेबल के हो चाहे एसआई के हो, प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चन हैं रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है? कम से कम जितने यूपीएसआई 2021 वाला जो पेपर हुआ था, इस पेपर की रीजनिंग जो है, रीजनिंग इस पेपर की जो रीजनिंग वाला पोर्शन है उसके 54 सेट्स हैं। इसके 54 सेट्स, सारे के सारे सेट्स आपको लगाने हैं। सारे सेट्स तो ये 54 के 54 यूपीएसआई वाले लगाने हैं। दूसरी, 2013 में जो पेपर हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, 2018 में हुआ था, 2019 में हुआ था, ये सारे पेपर आपको लगाने लगाने हैं। ठीक है? और कोई भी आप टेस्ट ले लो, उस टेस्ट को दो, कम से कम रीजनिंग के आपको रोज़ दो सेट तो निकालने निकालने हैं, क्योंकि रीजनिंग के 56 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 56 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर 56 में से 45 से 50 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं तो आपका नंबर कन्फर्म हो ही जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आपको मैंने मैथ के बारे में और रीजनिंग के बारे में डिटेल से जानकारी दी, और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिल रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।